हाँ थोड़ा सा आज शक्ति बंधन अभियान के तहत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के लाखों करोड़ों माताओं बहनों को आशीर्वचन दिया है, आशीर्वाद दिया है और पूरे देश में अनेकों जगह ये कार्यक्रम हुआ है। यहाँ छत्तीसगढ़ में भी अलग अलग जगह कई कार्यक्रम आयोजित हुए हैं जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रीगण भी गए हैं, विधायकगण भी गए हैं, सांसदगण भी गए हैं और भी जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो भी गए हैं, हमारे संगठन के लोग भी गए हैं और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही नारियों का सम्मान की है। आज इस देश के सर्वोच्च पद पर एक महिला और वो भी आदिवासी समाज की महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को बैठाई है और नारियों के सम्मान के लिए अनेकों कार्यक्रम चलाए हैं। एक तो लोकसभा विधानसभा में 33% आरक्षण उनके लिए किया गया है, छत्तीसगढ़ में पंचायत में भी 50% का आरक्षण जब 15 साल हम लोगों की सरकार थी तब हुई है और आदरणीय मोदी जी लखपति दीदी बनाने का निर्णय लिया है। 3 करोड़ लखपति दीदी और अभी तक 1 करोड़ दीदी लखपति बन चुके हैं और ड्रोन दीदी बनाने का भी संकल्प है। ड्रोन मतलब हमारी महिलाएं ड्रोन चलाना सीखेंगी और आज जो एग्रीकल्चर के सेक्टर में दवाई वगैरह छिड़कने का काम ड्रोन से बहुत अच्छा होता है और विश्वकर्मा योजना, स्वनिधि योजना, इसके माध्यम से माताओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने का, फिर यहाँ पर छत्तीसगढ़ में महतारी बंधन योजना के माध्यम से भी भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को सशक्त करने का काम कर रही है। सर, महतारी बंधन योजना की जो तारीख है वो आगे बढ़ा दी गई है, कल ऐसा कार्यक्रम होना? हाँ, कल वैसे सोच रहे थे लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ गया है, लेकिन लोकसभा चुनाव घोषणा होने के पहले हमारी जो 70,14,000 माताएं हैं छत्तीसगढ़ के अंदर में, उनके खाते में 1 महीने का महतारी बंधन योजना का पहला किस्त चला जाएगा। जी अब उसमें हम क्या करेंगे, अब वो जाने उसको कहाँ कहाँ जाते हैं, वो जाने है, अब वो कांग्रेस का मामला है, हमको तो अपना भाजपा को देखना है, हमको तो 11 की 11 सीट जीतना है। सर, रायपुर कार्यक्रम में मोदी जी आएंगे क्या, उनको कुछ खाना हुआ उनका? नहीं, वो फिजिकली तो नहीं आएंगे लेकिन वर्चुअली वो दिल्ली से ही एड्रेस करेंगे या जहाँ भी होंगे वहाँ से हमारे छत्तीसगढ़ की जो 70 लाख से ज़्यादा माताएं बहनें उनको आशीर्वाद देंगे। चलिए।